We are from tipsntricksguru.com. So अभी आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है, जो व्यापारी भाई सबसे पहले कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा नहीं ले पाए थे या उन्होंने अप्लाई किया था, फॉर्म हो गया था, कुछ भी रीज़न था जिससे आप लोग अननेसेसरी बर्डन में आ गए थे कि आपको रेशन लेना पड़ा इन नॉर्मल स्कीम और आप लोगों को GST R 1 2 3 सबका फाइलिंग करनी पड़ रही है। सो अभी गवर्नमेंट आपके रिलीफ लेके आई है। गवर्नमेंट की 21st जो मीटिंग हुई है GST काउंसिल की, आज ही हुई है, उसमें ये डिसीज़न आया, उसमें एक डिसीज़न आया है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो रजिस्टर्ड है, माइग्रेट हो चुका है या नया रजिस्ट्रेशन पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाया था बाई एनी रीज़न, सो अभी उसको एक बार और दोबारा चांस दिया गया है। वो 30 सितंबर 2017 तक कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर सकता है, और ये स्कीम में जो भी बंदा अवेल होगा उस पर कंपोजिशन स्कीम का जो इफेक्ट रहेगा वो आएगा फ्रॉम 1st अक्टूबर। मीन जो अभी आप अभी तक आप लोग सब कर चुके हैं फाइलिंग वाइलिंग, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज चलेगा। आप अब आगे के लिए आप 30 सितंबर तक इसको कंपोजिशन का रजिस्ट्रेशन कराइए और उसका बेनिफिट लीजिए कंपोजिशन स्कीम का, और फ्रॉम 1st अक्टूबर आपको वो उसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा दिया है छोटे व्यापारियों को गवर्नमेंट की तरफ से। सो बी स्टे विद अस, थैंक यू, वी विल गेट यू विद मोर अपडेट सून। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।